नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज में आज बातचीत करेंगे फिर से स्मृति ईरानी और कांग्रेस के नेता अलका लांबा के बारे में, जो उन दोनों ने एक बहस छेड़ दी थी वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल देखिए, एक दूसरे को दोनों ने नोटिस तो भेज दिया है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है इसकी सफाई हम दर्शकों को बता चुके हैं कि दरअसल किस तरह से खुलेआम झूठ बोला जा रहा है। लेकिन इन दोनों पार्टियों के बीच की जो लड़ाई है वो दरअसल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच में फिर से कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने जबरदस्त तरीके से हमला किया। क्या कुछ कहा, पहले आइए उस पर बात करते हैं, फिर इसका क्या फर्क पड़ेगा उस पर खुलकर बातचीत करेंगे। अलका लांबा ने स्मृति ईरानी से जबरदस्त तरीके से सवाल पूछा है। सवाल क्या है, वो कह रही हैं कि अपने परिवार पर जब बात आई है तो इतना क्यों छटपटा रही हो। यानी कि उन्होंने कहा कि थोड़ा स्वाद तो अपनी मिठाई का भी खुद चखो। यानी दरअसल जो मामला पूरा है, अब पहले मामला समझाते हैं फिर आप दर्शकों को समझ में आएगा कि दरअसल अलका लांबा ऐसा क्यों कह रही है कि दरअसल स्मृति ईरानी छटपटा रही। दरअसल उनकी बेटी को लेकर जो है कांग्रेस के तरफ से एक आरोप लगाया गया कि दरअसल गोवा में उनकी बेटी एक बार चलाती है जो पूरी तरह से अवैध है। स्मृति ईरानी आई, उन्होंने कहा कि दरअसल कांग्रेस जो है वो झूठ बोलने का काम कर रही है। लेकिन उनकी बेटी जो है दरअसल एक वीडियो में पाई गई है, एक ब्लॉगर के साथ इंटरव्यू चल रहा है उनका, उन्होंने कहा कि हाँ मैं बार चलाती हूँ। उसके बाद ये साफ हो गया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी झूठ तो बोल रही है। बहरहाल यही वजह है, यही मामला पूरा है जिसको लेकर अब जो है खास करके स्मृति ईरानी को पर अलका लांबा कह रही है कि अब अपने पे बात आई तो समझ में आ गया ना कि दूध का दूध पानी का पानी, यानी हकीकत क्या है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई अब छटपटा क्यों रही है, इससे क्या हो जाएगा आपको। ये तमाम बातें जो है स्मृति ईरानी पर कहा जा रहा है। अब ये देखना होगा कि दरअसल आपको बता दें कि स्मृति ईरानी के जो पति हैं उनके ट्विटर हैंडल पे भी जब आप जाएंगे तो ये तमाम चीजें लिखा मिलेगा कि उनके रेस्टोरेंट के वो को फाउंडर हैं तमाम चीजें। इसके बावजूद स्मृति ईरानी ने साफ शब्दों में कहा कि दरअसल कोई लेना देना नहीं है, हमारी बेटी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट है। अब ये देखना होगा कि दोनों पार्टी की लड़ाई जो बेटी को लेकर हो गई है ये दरअसल थमता कब है और इसको रोका कैसे जाएगा। लीगल नोटिस तो भेज दिया है, क्या सिर्फ वहीं तक रह जाएगा या बात खत्म हो जाएगी, ये बड़ा सवाल है कि आखिर अब स्मृति ईरानी का अगला स्टेप क्या कुछ होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।